नमस्ते दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 2026 के लिए इंडिया विश्व बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए इंडिया होस्ट करने वाला है। दिस इज द सेकंड टाइम इंडिया बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है। उसके पहले 2009 में हैदराबाद में इंडिया की इस चैंपियनशिप को होस्ट किया था। और एक बात, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस, जिसे हम कहते हैं कि जो अपेक्स बॉडीज है बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में, तो ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ये बिगेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट सैंक्शन करती है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा। ऑलमोस्ट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये गवर्निंग बॉडीज है बैडमिंटन, जो भी इंडिया के अपेक्स बॉडी के अंतर्गत ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया आती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल और इंटरनेशनल बैडमिंटन के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो इंडिया में ऑर्गेनाइज करने के लिए BAI, जिसे हम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ओनली वन लाइन में MCQ ये होगा कि भारत बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से ईयर कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा 2026 में भारत वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट बात आती है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP और राजस्थान गवर्नमेंट ने जो TDPS को कार्यान्वित करने के लिए जो समझौता किया है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन हमारा ध्यान देता है। राजस्थान सरकार यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स WFP को जो सरकार की टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम TDPS कहते हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली एक साझेदारी करेगा या समझौता करेगा। राजस्थान गवर्नमेंट के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स ये टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको डिजिटाइजेशन करने के लिए, डाटा को एग्रीगेशन करने के लिए और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड को मॉनिटर करने के लिए ये हेल्प की जाएंगे। ऑलमोस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर बात आती है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस के तहत ये काम करती है। तो सस्ती कीमतों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए हमारे देश में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वित्तीय मंत्रालय के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, उसकी स्थापना की गई है। अगर क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ किस गवर्नमेंट ने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए समझौता किया है, तो हमारा ये आंसर होगा राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये समझौता किया है। 15 जुलाई की अगर बात आते हैं, 15 जुलाई ये हर साल ऑल ओवर वर्ल्ड में विश्व युवा कौशल दिन या दिवस के तहत मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। हर साल हम 15 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये डे एक अपॉर्चुनिटीज देता है जो यंग पीपल्स फॉर द डायलॉग बिटवीन द यंग पीपल्स फर्म्स एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी मेकर्स और डेवलपमेंट ऑफ पार्टनर। तो विश्व युवा कौशल दिवस युवा लोगों, नियुक्तों को, श्रमिक संगठनों और नीति निर्माताओं को और विकास भागीदारों के बीच में संवाद का अवसर
प्रदान किया जाता है। हमें ये भी मालूम होना चाहिए 2021 के लिए इस विश्व युवा कौशल दिवस का दिन या मेन सब्जेक्ट क्या है। 2021 के लिए वर्ल्ड यूथ स्किल डे का थीम है महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना, या हम पोस्ट पैंडेमिक रिमेनिंग और री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, या उसे हम महामारी के बाद युवा कौशल की पूर्ण कल्पना, ये इस साल का थीम है। तो 15 जुलाई संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 2014 में युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया गया था, और जो फर्स्ट विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2015 में मनाया गया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 नंबर या SDG 4 कहते हैं, उनके अनुसार इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये दिन भी या ये टारगेट भी हमें याद होना चाहिए। समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, ये SDG 4 या सस्टेनेबल जो भी डेवलपमेंट गोल है उसके तहत ये 4th नंबर का टारगेट आता है। तो समराइज करके, वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑल ओवर वर्ल्ड में 15 जुलाई को मनाया जाता है, और इस साल का जो थीम है री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट बात आती है, विच अरब कंट्री ने इसराइल में अपनी एम्बेसी को ओपन किया है। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीराती या UAE। ये फर्स्ट गल्प कंट्री है जिन्होंने ये एम्बेसी को इसराइल में ओपन किया है। इसराइल के जो प्रेसिडेंट है आइज़ैक हर्ज़ोग, उन्होंने इस फ्लैग सेरेमनी जो सेलिब्रेशन था, इस फ्लैग सेरेमनी या फ्लैग रेजिंग सेरेमनी को अटेंड किया है। UAE की एम्बेसी ये तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज में सिचुएटेड होगी, और इसराइल इस राष्ट्र में भी उनकी एम्बेसी को UAE में ओपन किया है। हम सभी लोग जानना ये इम्पोर्टेंस होता है कि जो दो गल्फ कंट्रीज है जिसमें UAE और बहरीन आता है, उन्होंने लास्ट ईयर या पिछले साल अकॉर्डिंग टू द अब्राहम समझौता या अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल के साथ जो संबंध है वो नॉर्मलाइज किए हैं, या उसे हम एक रिलेशंस को हमने सामान्य करने की एक ठाम ली है। तो यहाँ इसराइल की कैपिटल जेरूसलेम है, और यूनाइटेड अरब की कैपिटल जो आती है अबू धाबी है। इसराइल की जो करेंसी है इसराइल शेकेल है, और यूनाइटेड अरब अमीराती दिरहम ये UAE की करेंसी है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट है, वही UAE के प्राइम मिनिस्टर ये जिनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अलू मक्तूम। प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल आइज़ैक हर्ज़ोग है, वही UAE के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान है या नीहयान है। नेक्स्ट बात आती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो अलग अलग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड किए हैं, डिफरेंट कंट्री के साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, उनमें से दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंस हो गए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में
सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है। तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, संयुक्त पहल और अनुसंधान विकास के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। तो कैबिनेट ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ने जिन देशों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अप्रूव किया है, उसमें से फर्स्ट यूरोपियन कंट्रीज आता है, उसका नाम है डेनमार्क। यहाँ डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेग है और ये जो समझौता है ये स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कोकिंग कोल उसके सहयोग के लिए भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है। इंडियन कैबिनेट ने रशिया के साथ भी एक जो समझौता ज्ञापन पर साइन किए, हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ये कोकिंग कोल को यूज करने के बारे में है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री में उसको यूज किया जाता है। अगर कोकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री या इस्पात क्षेत्र के लिए जो एक इनपुट लागत को शायद इस समझौता की वजह से उनकी लागत कम करेगा और समानता तथा समावेशिता को बढ़ावा देना, ये भी उसका एक मेन टारगेट है। नेक्स्ट बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल बाइक टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है। अगर इक्वेशंस आता है तो हमारे पास आंसर्स होगा। कर्नाटक गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल बाइक टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है और ये कर्नाटक गवर्नमेंट की स्कीम है, इलेक्ट्रिकल बाइक टैक्सी स्कीम 2021। तो मोस्टली इसका जो पर्पज़ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, एट द सेम टाइम्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डेली ट्रैवल है या डेली ट्रैवलर्स है उनके बीच का जो ब्रिज है उस ब्रिज को एक सेतु की तरह काम करने के लिए ये कर्नाटक गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिकल बाइक टैक्सी स्कीम 2021 के अंतर्गत आती है। तो ये यात्रा के समय को कम करेगा और ईंधन की खपत को भी कम करेगा और इसी इलेक्ट्रिकल बाइक स्कीम के तहत लोगों को सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद भी कर सकता है। ऑलमोस्ट ये इलेक्ट्रिकल बाइक जीपीएस इनेबल है और मैक्सिमम डिस्टेंस 3 किलोमीटर का कवर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यू हम जो कवर करने वाले हैं इसरो के बारे में, तो इसरो ने जो सक्सेसफुली हॉटेस्ट जो विकास इंजन जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। आने वाले का समय में 2022 ने भारत में जिस गगनयान मिशन को लॉन्च करने की ठान ली है उसमें 3 एस्ट्रोनॉट ऑलमोस्ट स्पेस में दे विल गोइंग टू बी लीव नियर टू द 7 डेज। तो उनके लिए जो रॉकेट यूज करने वाला है इसका नाम है GSLV Mark 3। तो GSLV Mark 3 के कोर स्टेज पे L110 इस लिक्विड है, इस लिक्विड के लिए जो 2 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं उनका नाम आता है विकास। तो इस विकास की हॉट टेस्टिंग इसरो ने जो हमारे लिए हम कहेंगे कि जो महेंद्रगिरी स्टेशन है इसरो का प्रोपल्शन लिक्विड सिस्टम वहाँ पे उन्होंने 240 सेकंड के लिए इग्नाइट करके इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। तो इसरो का जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसका नाम GSLV Mark 3 है। यह हमारे मोस्ट डेस्टिनेटेड और मोस्ट रिप्यूटेबल जो गगनयान प्रोग्राम है उसके लिए यूज किया जाएगा। तो उसकी जो लिक्विड या L110 कोर स्टेज का जो विकास इंजन है उसके लिए ये लॉन्च करने के बाद उसके लिए ये लिक्विड टेस्ट या विकास इंजन को टेस्ट करने के बाद मे बी इन कमिंग डेज ह्यूमन बींग के लिए ये फ्लाइट
एक वैलिड हो सकती है। तो ये गगनयान प्रोग्राम के लिए, विकास इंजन के लिए जो लिक्विड प्रोपेलेंट लगता है उसकी ये सक्सेसफुल टेस्ट हमने फाइल की है। नेक्स्ट बात आती है, हु इज द लीडर ऑफ राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए पीयूष गोयल ये राज्यसभा में एक सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। एक बात हमेशा याद होनी चाहिए कि सदन का नेता ये राज्यसभा या लोकसभा का हो, सरकारी बैठकों और कार्य के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे संविधान में सदन का नेता, उसके लिए कोई भी फॉर्मली या हम कहेंगे कोई मेंशंस नहीं किया हुआ। एन गोपाल स्वामी अय्यंगार ये राज्यसभा सदन के हमारे भारत के पहले नेता थे। अगर राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसे हम परमानेंट बॉडी कहते हैं और ये कभी भी विघटित नहीं होती। दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा के जो अधिकतर मेंबर्स होते हैं 250 सदस्य होते हैं, उनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं या नामित होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के हम कहेंगे एक ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, जिसे हम पदेन अध्यक्ष भी कहते हैं। तो पीयूष गोयल राज्यसभा सदन के लिए सदन को राज्यसभा सदन के नेता के रूप में उनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात आती है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की। तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्किम के साथ जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, शायद हम भी समझ जाएंगे अगर सिक्किम का यहाँ पे स्टेट का नाम आता है तो सिक्किम डेफिनेटली एक लद्दाख को जो जैविक इकाई है उनको बदलने के लिए ये प्रमुख रूप से कारोबार करेगा या प्रमुख रूप से उसका उद्देश्य होगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लद्दाख ने जो सिक्किम के साथ किया है, डेफिनेटली लद्दाख 2025 में एक ऑर्गेनिक एंटिटी या जैविक इकाई बनाने का उनका टारगेट है। तो सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है SOCCA, सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो ये लद्दाख को 2025 के लिए ऑर्गेनिक एंटिटी के रूप में परिवर्तित करेगा और ये उनका टारगेट है। तो लद्दाख के लिए जो परंपरागत कृषि विकास योजना है और जैविक विकास मिशन की पहल है, उनके कार्यान्वयन के लिए ये समझौता डेफिनेटली काम कर सकता है। हमें ये भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है कि 2016 में सिक्किम भारत का पहला एक 100% जैविक राज्य बना था। अगर उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा 100% जैविक था, ये क्वेश्चन आता है, तो उसका जवाब लक्ष्मीद्वीप होगा। जैविक खेती, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, एंटीबायोटिक आदि के उपयोग के बिना पौधों की खेती और जानवरों के पालन की एक तकनीक है, जिसे हम ऑर्गेनिक खेती भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती में यहाँ आपको ये जानना इतना ही इम्पोर्टेंस होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक का प्लांट रेयरिंग में या एनिमल में कोई भी यूज नहीं किया जाता। दिस इज नोन एज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लक्ष्मीद्वीप और जो स्टेट भारत का ऑर्गेनिक फार्मिंग में 100% उनका नाम लिया जाता है, वो सिक्किम है। तो इस तरह से हमने 10 सर्किटों को कवर किया। MCQ हमारे एग्जाम के लिए किस पार्ट में हो सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसको भी हमने कवर किया। थैंक यू फॉर वाचिंग टारगेट विद प्रोफेसर पीस पॉजिटिव वे। वी रिक्वेस्ट यू टू बी अ वॉलंटरी डोनेटर टू बिकम अ प्राइम एंड ट्राइड मोटिवेटर।